नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इंफोटेक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर 14 का नाम है साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। तो साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करते हैं कि बढ़ते आईटी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन परचेज, हमारा कुछ भी बिल्स वगैरह पेमेंट करना हो तो हम उसके लिए हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं। तो हमारा डेटा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। हम अपने स्कूल के कुछ रिकॉर्ड्स हो गए, हम अपने पर्सनल डेटा हो गया, वो सारा का सारा कंप्यूटर में स्टोर करने लग गए हैं। तो इसी के तहत अगर हमारा वो डेटा लीक हो जाए तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स को लाया गया। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से साइबर थ्रेट है जिनके कारण हमारा डेटा लीक हो सकता है। तो वन बाई वन हम बात करते हैं। हमारा पहले टाइप का साइबर थ्रेट है, वो है मालवेयर। मालवेयर को आमतौर पर एक हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया गया है। ये एक हानिकारक कोड है जिसको आपके कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, जिसके तहत वो आपका कोई ना कोई डेटा चोरी करता है या फिर डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। तो ये एक ईमेल के रूप में भी आपके पास में आ सकता है जैसे आप, या फिर एक सॉफ्टवेयर के रूप में भी आ सकता है। तो जैसे आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर देते हो, तो अगर आपका सिस्टम कमज़ोर है तो आपका डेटा नष्ट और लीक हो सकता है। तो इसके कौन कौन से प्रकार है, मालवेयर के कुछ अलग अलग टाइप के प्रकार है, उसके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। पहला प्रकार है वायरस, सेकंड प्रकार है ट्रोजन हॉर्स, तीसरा प्रकार है स्पाईवेयर। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। तो मालवेयर का पहला पार्ट है वो है वायरस। वायरस क्या होते हैं, वायरस एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजे जाते हैं। जैसे ही वो एक बार वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो वो सेल्फ रिप्लिकेट करता है। सेल्फ रिप्लिकेट का मतलब वो उसके टाइप के बहुत सारे वायरस बना देता है जिसके तहत आपका कंप्यूटर सिस्टम की जो कैपेबिलिटी होती है, जो उसकी क्षमता होती है, वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये काम करता है वायरस। तो हमारा दूसरे टाइप का मालवेयर था वो है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है जो कि आपके कंप्यूटर पर वायरस या अन्य किसी प्रकार के मालवेयर को डाउनलोड करता है। तो हमारे तीसरे टाइप का मालवेयर है वो है एक स्पाईवेयर। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर पर आपकी गतिविधियों को सचमुच में नज़र रखता है। जैसे अगर आपने कोई काम कर लिया तो वो उसको वो डिटेक्ट करता रहेगा और वो टाइम टाइम पर स्क्रीनशॉट लेके ईमेल में भेज दिया करता है। तो हमारे दूसरे टाइप का जो अटैक है वो है हमारा फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके ईमेल पे कोई लिंक भेजा गया, उसके बाद में आप जैसे क्लिक कर देते हो तो वहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करना होता है। जैसे आप व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर देते हो तो आपकी वो व्यक्तिगत जानकारी सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जाती है जिसने भी आपको वो ईमेल भेजा गया है या फिर जहाँ पर भी उसकी डिटेल जाननी चाहिए। तो ये एक अटैक होता है जिसके अंदर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को लेता है। तो हमारा तीसरे टाइप का अटैक है वो है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम या फिर बैंकों के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है जिससे आपका पासवर्ड तोड़ा जा सकता है। यह आमतौर पर अटैकर द्वारा आपके सिस्टम में एक एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर के रूप में डाला जाता है जहां हमलावर आपका पासवर्ड पता करता है और पता करने की कोशिश करता रहता है। तो इसको रोकने के लिए आपको अपने पासवर्ड को हमेशा बदलते रहना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो कि आपके पासवर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपके अपने पासवर्ड में रखने चाहिए जिसके तहत कि आपका पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के रूप में बनाया गया होगा। तो हमारा अगला अटैक है वह है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, DOS अटैक। तो इस तरीके के अटैक में हमलावर या फिर जो अटैकर है वो आपके ट्रैफिक या डेटा को कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए अन्य किसी कंप्यूटर का प्रयोग करता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ओवरलोड कर देते हैं और आपका सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है। इस हमले को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप ऑनलाइन सुरक्षा की निगरानी में रखें, आप ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करते रहे, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहे, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले डेटा की निगरानी रखें ताकि समय समय पर आप अपने कंप्यूटर की समस्या की पहचान कर पाओ। तो हमारा अगला अटैक है वो है मालवेयरटाइजिंग। मालवेयरटाइजिंग का मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होती है उन एडवर्टाइजमेंट के पीछे की साइड में कुछ कोड छुपा दिया जाता है और उन कोड पे आप एडवर्टाइजमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो वो कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो ये भी एक काम मालवेयरटाइजिंग का ही है, ये भी एक प्रकार का अटैक ही है। तो हमारा अगला अटैक है वो है ब्रीचिंग सिक्योरिटी सिस्टम, के सिक्योरिटी सिस्टम में
कैसे घुसते हैं लोग। इस गतिविधि को आमतौर पर हैकिंग या क्रैकिंग के रूप में जाना जाता है। इसके तहत साइबर हमले में हमलावर बिना किसी अनुमति के आपके सिस्टम में पहुंच सकता है। यह कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया होता है और यह और हैकिंग और क्रैकिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारा अगला अटैक है वो है वेब अटैक। अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ता यूजर्स को वेबसाइट पर इंटरेक्ट बातचीत करने की सुविधा देते हैं। इन इंटरेक्शन के माध्यम से वेबसाइट पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को इनपुट के रूप में पूछा जाता है। तो हमारा अगला अटैक है वो है सेशन हाईजैकिंग। यह साइबर हमला आम नहीं है, पर इसमें क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच में एक अनऑथेंटिकेटेड तरीके से निगरानी की जाती है और उसके बाद में वो आपके उस सेशन को रोक सकता है और वहाँ से आपका डेटा भी चोरी कर सकता है। अब हमारा अगला अटैक है वो है DNS पोजिशनिंग। DNS पोजिशनिंग का मतलब डोमेन नेम सर्वर को एक अलग ही टाइप में रिडायरेक्ट कर देना। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है www.rkcl.in। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वो वहाँ से रिडायरेक्ट होकर किसी एक अलग वेबसाइट पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसे बोल देते हैं DNS पोजिशनिंग। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप एक सेफ वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने कॉमन सर्च का यूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो। दूसरा तरीका है वेबसाइट पर आपको पेडलॉक एंड HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एज ए सिक्योर, वहीं पर आप लॉगिन करिए, वहीं पर आप अपने पासवर्ड को दर्ज करिए। अन्यथा अगर आपको हानि हुई तो इसके जिम्मेदार आप खुद रहते हो। वेबसाइट के वेब एड्रेस को देखें और जांच करें कि स्पेलिंग सही है या नहीं। HTTPS होना ज़रूरी है। वेबसाइट जो कि सामान्य से अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे कोई पासवर्ड पूछ रही हो तो वहाँ पर भी आप अपना पासवर्ड दर्ज मत करिए। फार्मिंग से बचे, कोई भी आपको फॉर्म भरना है तो उन चीज़ों से आप बचते रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहते हो तो सबसे पहले उस वेबसाइट के बारे में आप किसी एक एक्सपर्ट से सलाह लें। यदि आपको किसी वेबसाइट पर शक है या इंटरनेट पर सर्च कर ले कि वो वेबसाइट फ्रॉड तो नहीं है, इसके बारे में भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। और उन वेबसाइटों से सावधान रहे जिसमें अनचाही ईमेल के साथ में कुछ अजीबोगरीब विज्ञापन वहाँ पर दिखाए जा रहे हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, वो है सुरक्षित वेबसाइट्स की। सिक्योर वेबसाइट कौन कौन सी है। सिक्योर वेबसाइट के लिए सबसे पहले पैडलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपका पैडलॉक बना हुआ है तो वो एक सिक्योर वेबसाइट है। दूसरी चीज़, अगर URL में HTTPS है तो इसका मतलब है कि वो एक सिक्योर वेबसाइट है। तो अब हम बात करते हैं कि सिक्योर वेबसाइट के और कौन कौन से टाइप्स होते हैं और क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें होती है एक सिक्योर वेबसाइट के लिए। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिक्योर सील। सिक्योर सील क्या है। सिक्योर सील या ट्रस्ट सील वेबसाइट कंपनी पर एक विश्वास का प्रतीक है। सिक्योर सील में आप आमतौर पर वो एक वेरीफाइड वेबसाइटें होती है जिसमें आप ट्रांजैक्शन अपने खुद के ट्रांजैक्शन कर सकते हो और अलग अलग जो भी मेथड होंगे वो सारे एक सिक्योर्ड मेथड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस किस टाइप की सिक्योर सील होती है। सिक्योर सील में पहली चीज़ होती है वो होती है प्राइवेसी सील। सेकेंड चीज़ है वो है बिजनेस प्रैक्टिस सील। थर्ड है वो है बिजनेस आइडेंटिटी सील। एंड फोर्थ है सिक्योरिटी सील। तो ये चार अलग अलग टाइप की सिक्योर सील होती है। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें और मेलिंग शिष्टाचार। मेलिंग शिष्टाचार का क्या मतलब है कि आप अगर मेल किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर मेल किसी को भेज रहे हो तो सबसे पहले आप उस मेल को जानें कि मेल के बारे में जो लिखा गया है वो एकदम सही है या फिर नहीं। फॉरवर्ड करने से पहले आप जान लें कि आप अपने मेल को सही तरीके से भेज रहे हो या नहीं, कि कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको यूज करनी होगी एक सुरक्षित ब्राउजिंग करने के लिए। जिसमें से पहली आदत है वो आप अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, एंटीवायरस का उपयोग करें। तीसरी चीज़, फिशिंग अटैक से बचते रहे, पासवर्ड को पुनः उपयोग न करें, HTTP को चेक किया जाए, HTTP को आप चेक करते रहे, अगर वो आपका सिक्योर है तो आप उसको यूज कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी को भी पढ़ा जाए, अगर आप किसी वेबसाइट पे अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको चेक करनी होगी वहाँ पे उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो चीज़ भी आपको देखनी होगी। मॉनिटर योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको आपको मॉनिटर करना होगा। सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचे, अगर आप कोई फ्री वाईफाई है वहाँ पर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ से भी आपका वायरस
इंस्टॉल हो सकता है, तो उन चीज़ों से भी बचते रहे। संग्रहित पासवर्ड को असक्षम करें। पासवर्ड अगर आपने स्टोर कर रखा है किसी वेबसाइट पे तो उन चीज़ों से भी बचते रहे। अपने ब्राउजर का पॉपअप ब्लॉकर को चालू रखें। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक मेलिंग शिष्टाचार के बारे में। मेलिंग शिष्टाचार का मतलब ये है कि अगर आप मेल को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो तो उससे पहले आप क्या क्या चीज़ें जानकारी चेक करते हो। तो सबसे पहले स्वयं का परिचय मेल में डालना जरूरी होता है। सब्जेक्ट लाइन को जांचें कि सब्जेक्ट जो भी मेल में आ रखा है वो सब्जेक्ट रिलेवेंट है या नहीं है आपके उसके कंटेंट में। टू और सीसी के अंतर को समझें। अगर आप किसी को भेज रहे हो तो आप टू का यूज करो, और अगर आप किसी अथॉरिटी को सिर्फ दिखाना चाहते हो कि हमने ये उस पर्सन को मेल भेजा है तो आप सीसी का उपयोग करें। जो आपका मेल है उसको बहुत ही छोटा रखें। एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा नहीं करें। अगर आपने अपना सब्जेक्ट एक सिंगल टॉपिक पर डाल रखा है तो आप उस अपने मेल में बहुत अलग अलग टॉपिक को वाइड रेंज में मत रखिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, वो है आईटी के सामाजिक कानूनी एवं नैतिक पहलू। तो आईटी के अंदर जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी रही है तो सोशल तरीके से, लीगल तरीके से और एथिकल तरीके से किए गए आईटी के तहत कोई भी थ्रेट या फिर कोई भी अटैक जो भी किए जाएंगे वो कुछ आईटी एक्ट के थ्रू आप उनके लिए पनिशेबल हो। अगर आपने कोई अटैक किया है या फिर आपने सोशल तरीके से कुछ अटैक किया हो या फिर आपने कोई लीगली अटैक किया हो तो आप आईटी एक्ट के थ्रू पनिशेबल हो। भारतीय आईटी अधिनियम 2000, इंडियन आईटी एक्ट 2000 से क्या मतलब है उसके बारे में हम बात करते हैं। यह भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देकर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं आती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सेक्शन 65 के अंदर अगर आप कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ में छेड़छाड़ी करते हो तो ये चीज़ धारा 65 के अंदर आती है। दूसरा आता है धारा 66, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध। अगर आप हैकिंग और कंप्यूटर में कुछ भी छेड़छाड़ी करते हो तो वो भी चीज़ धारा 66 के अंदर आती है। उसके बाद में हमारी अगली धारा है वो है धारा 43। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स के साथ में अगर आप छेड़छाड़ी करते हो धारा 43 के अंदर आता है। तो ये हमारी कुछ धाराएं थी जिसके तहत अगर आपने कोई अपराध किया होगा तो उस अपराध के आप भागीदार हो। तो ये आईटी एक्ट 2000 के अंदर बनाया गया था। तो हमारा अगला एक्ट है वो है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। तो अब हम बात करते हैं कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 है क्या। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत अगर आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है अगर उसकी कोई कॉपी कर लेता है तो वो एक पनिशेबल होगा। उसके तहत कॉपीराइट की प्रोटेक्शन को उपलब्ध है पर इसमें कोई पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है। तो हमारा अगला एक्ट है वो है धारा 406, जिसके अंदर विश्वासघात का अपराध अगर कोई करता है आईटी के अंदर तो हमारा कौन सी धारा में आता है, वो आता है 406 में। धारा 420, धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस वेबसाइट या फिर साइबर धोखाधड़ी के तहत अगर आपका कोई भी अपराध होगा तो वो धारा 420 में आता है। तो हमारा अगला एक्ट है वो है इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट के उल्लेखन सति या अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में उपचार प्रदान करता है। तो ये था हमारा चैप्टर 14, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से अटैक होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं, इसके बारे में हमने वन बाय वन चीज़ें पढ़ी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक करिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिए नहीं। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।